दोस्तों, क्या आप भी अपनी चेस्ट मसल को ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी चेस्ट मसल को ऐसी ही मस्कुलर देखना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चेस्ट के कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप यूज करके अपने चेस्ट के तीनों पार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी चेस्ट भी ऐसी ही मस्कुलर बनने लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडल चेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वर्कआउट। आज की पहली एक्सरसाइज होने वाली है दोस्तों, पैक डेक फ्लाई। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट के सभी फाइबर मसल को टारगेट करती है, जिससे आपकी चेस्ट की हर एक मसल ब्रेक हो पाती है, जिससे आपकी चेस्ट भी डेवलप होने लग जाती है। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 3 सेट, जिसमें आप 15, 12, 10 के रेपिटेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है डंबल प्रेस। दोस्तों, ये काफी बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसको आप करके अपनी चेस्ट की तीनों मसल को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी चेस्ट काफी चौड़ी और मस्कुलर भी दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, इसके भी आपको करने हैं 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के। तो दोस्तों, आज की अगली एक्सरसाइज होने वाली है फ्लैट बेंच केबल फ्राई, जिसको कि आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारे लोअर चेस्ट एंड अपर चेस्ट के लिए काफी बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी चेस्ट की चौड़ाई काफी जल्दी बढ़ती है। इसकी भी आप 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली एक्सरसाइज होने वाली है सीटेड हैमर प्रेस, जो कि हमारी चेस्ट की लकीर यानी कि हमारे बीच की लाइन के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी बीच की लाइन काफी जल्दी डेवलप होती है। इसके भी आप 15, 12, 10 के रेपिटेशन निकाल सकते हैं। आज की दोस्तों अगली एक्सरसाइज होने वाली है केबल क्रॉसओवर, जो कि आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल चेस्ट के लिए एक काफी बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी चेस्ट में एक काफी अच्छा पंप देखने को भी मिलता है और चेस्ट की चौड़ाई और चेस्ट में बीच में लाइन काफी ही जल्दी डेवलप होने लगती है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, जिसमें कि आप 20, 15, 12, 10 के रेपिटेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो 4 एक्सरसाइज, जिसको आप अच्छे से जिम में परफॉर्म करते हैं तो आपकी चेस्ट मसल काफी जल्दी मस्कुलर और ग्रो होने लगेगी, जिससे आपकी चेस्ट का साइज काफी जल्दी इंक्रीज भी होने लग जाएगा। दोस्तों, इस वर्कआउट प्लान को आप अच्छे से फॉलो जरूर करें, वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छी डाइट जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ देसी डाइट के बारे में। दोस्तों, आपको ब्रेकफास्ट में 4 से 5 अंडों का आमलेट और 3 से 4 चपाती लेनी होती है, साथ ही लंच जैसा आप करते हैं वैसा ही करें। दोस्तों, हफ्ते में 4 दिन दलिया या फिर ओट्स जरूर खाएं, साथ ही डेली पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड भी लें और 3 से 4 केले दिन भर में जरूर खाएं। अगर आप भी इस वर्कआउट के साथ साथ इन टिप्स को भी फॉलो करते हैं तो आपकी चेस्ट का साइज काफी जल्दी ग्रो होने लग जाएगा। इस वर्कआउट प्लान को आप 4 से 5 महीने तक इजीली फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।